नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भाजपा ने लगाई मुलायम सिंह यादव के घर में सेंध, छोटी बहू अपर्णा यादव हुई भाजपा में शामिल, दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ली सदस्यता। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरे अखिलेश यादव, पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन, तीसरे और चौथे चरण के दावेदारों के नामों पर चर्चा, आज लगेगी प्रत्याशियों पर अंतिम मोहर। वही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, फर्रुखाबाद में शराब माफिया समेत दबोचे गए 3 कारोबारी, 40 लाख रुपए की शराब भी की गई बरामद, एसपी अजय प्रताप के निर्देशन में हुई कार्रवाई। प्रदेश में एक दिन की राहत के बाद कोरोना केस में फिर से उछाल, बीते दिन 17,776 नए मामले हुए दर्ज, तो वही 20,000 से भी ज्यादा मरीज हुए ठीक, एक्टिव केस घटकर हुए 1,00,000 से कम। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के घर में ही सेंधमारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में अपर्णा को केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। समाजवादी पार्टी की ये उम्मीदवार बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा ने करीब 63,000 मत हासिल किए थे। उधर रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर 2019 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी और सुरेश चंद्र तिवारी चौथी बार विधायक बने थे। एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अर्पणा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। तो इस मौके पर अपर्णा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद प्रभावित रही हैं, और आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करेगी वो उसे निभाएंगी। अपर्णा यादव से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। मैम, साइकिल छोड़ आपने कमल का हाथ थाम लिया है,
आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो आप भाजपा आपने ज्वाइन कर लिए? कि मैं यही कहूंगी कि राष्ट्रवादिता से बड़ी वजह और क्या हो सकती है किसी भी भारतीय के जीवन में। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयता को, इस देश के धर्म को, इस देश के मूल्यों को हमेशा सुरक्षित रखा है, पोषित किया है, सिंचित किया है। मैं इसी राष्ट्रवादिता के लिए और इस राष्ट्र की आराधना के लिए अपना जीवन समर्पित करती हूँ। आगे की आपकी क्या प्लानिंग होगी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो मुझे जिम्मेदारी देगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर अपर्णा यादव जुड़ी हुई थी, वीडियो जर्नलिस्ट भरत कुमार चौहान के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी दिल्ली। तो वही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा सिंह यादव को बीजेपी में लाने के पीछे कई नेताओं का हाथ रहा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर की सक्रियता नजर आई। इसी पर हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने बातचीत की बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर से। यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह सर, क्योंकि बीजेपी से कई नेता थे जो जा रहे थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई है, इसे कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी? देखिए, अपर्णा जी पहले भी माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी माननीय योगी जी माननीय मोदी जी के नीतियों को वो प्रशंसा करती थी। जब अखिलेश जी साइकिल चलाते थे उस समय अपर्णा जी जो है योगा करती थी। तो चाहे महिलाओं के लेकर के जो मोदी जी ने जो कार्य किया, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छता के लिए जो घर घर शौचालय हो, उसकी वो सदैव प्रशंसा करती रही हैं। तो आइडियोलॉजी के रूप में वो भाजपा के साथ पहले भी रही और अब आज वो भाजपा के हिस्सा बन गई हैं, उससे भाजपा को बहुत लाभ मिले। क्या ये माने कि ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के? देखिए, समाजवादी पार्टी के कुनबा तो ऐसे ही ध्वस्त है, बहुत सारे और लोग भी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में जब केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व तय कर देगा तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आने वाले हैं। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया के लोग कह रहे हैं कि वृंदावन मथुरा से लड़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मथुरा वृंदावन से लड़ेंगे तो ठीक रहेगा। वो कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं और कृष्ण जी दुनिया के सबसे बड़े न्यायाधीश कोई है तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके धरती पर यदि जो है अच्छाई और बुराई की और लड़ाई होगी और कौन जो है न्याय के साथ है, कौन अन्याय के साथ है, फैसला जो है कृष्ण की धरती पर ही हो जाएगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, सरोजी नगर सीट से कौन लड़ेगा स्वाती जी? आप सोनी नगर सीट पर जो भाजपा तय करेगी वही लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, वीडियो जर्नलिस्ट भरत कुमार चौहान के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की सियासत के दिग्गज खिलाड़ी अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वे पहली बार किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के संकेत मिले हैं। बता दें कि वे अभी आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों को लेकर दो दिन से दिल्ली में विचार विमर्श जारी है और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी। इस बैठक में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह प्रत्याशी चयन के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में कौन सी सीट कौन से उम्मीदवार को मिलेगी, यहां पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही है। इन दो चरणों में कहीं कड़ा मुकाबला भी हो सकता है तो कहीं भाजपा को अच्छी बढ़त की उम्मीद है। बता दें कि तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा तो वहीं चौथे चरण की 23 फरवरी को वोटिंग होगी। वही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फरुखाबाद की जहानगंज पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां शराब माफिया समेत 3 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 40 लाख रुपए की शराब बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों पर अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कई मुकदमे दर्ज है। पकड़े गए 3 आरोपियों का न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया है।
तो वही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सपा विधायक शरद वीर सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने अपने इस्तीफे का लेटर भेज दिया है। पार्टी पर नीतियों से भटकने का आरोप लगाया। जलालाबाद से सपा विधायक है शरद वीर सिंह। नीरज मौर्य को बनाया गया है सपा का यहां से प्रत्याशी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश में दल बदल का जो सिलसिला चल रहा है, उसी सिलसिले के तहत आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी से विधायक शरद वीर सिंह, जो कि जलालाबाद से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में एक दिन की राहत के बाद कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल आया है। बीते 24 घंटे में 17,776 नए केस सामने आए और इससे पहले सोमवार को 14,000 केस दर्ज किए गए थे। लेकिन इन सबके बीच एक राहत की खबर भी है। यहां एक्टिव केस की संख्या 1,00,000 से नीचे आ गई है और अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 98,238 रह गई है। 24 घंटे में 20,532 संक्रमित ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 100% से ज्यादा देखी जा रही है। या जितने भी नए मरीज सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की सीमाओं पर पुलिस पैनी नजर जमाए हुए है ताकि चुनाव में किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो सके। और इसी के चलते जालौन के आटा टोल टैक्स पर चेकिंग के दौरान एक कार से 50,00,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। इधर भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना पाकर इनकम टैक्स की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जांच पड़ताल में ये पैसा बैंक का निकला। इस बीच इनकम टैक्स के अधिकारी पीके तिवारी ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस है कि 10,00,000 के ऊपर अगर कैश मिलता है तो इनकम टैक्स को इसकी सूचना दी जाती है। स्क्वाड टीम ने, चूंकि 10,00,000 के ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 10,00,000 के ऊपर अगर अमाउंट होता है तो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया जाता है। अमाउंट चूंकि 50,00,000 है इसलिए मुझे इन्फॉर्म किया गया। मैं यहां पर आया, मैंने देखा कि रेमिटेंस सर्टिफिकेट है। एक बैंक मैनेजर एक ब्रांच से पैसा लेकर के दूसरी ब्रांच को ले जा रहा है। केवल गलती ये है कि वो पर्सनल व्हीकल से पैसा जा रहा था, लेकिन उनका कहना है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश वैन ये पैसा हम पर्सनल व्हीकल से ले जा रहे थे। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर जो रेमिटेंस सर्टिफिकेट है और जो रेमिटिंग मैनेजर है उसके द्वारा कंफर्म किया जा चुका है कि हाँ ये पैसा इस वाउचर के द्वारा निकला है, उस वाउचर को एग्जामिन कर लिया गया है, रेमिटेंस सर्टिफिकेट को एग्जामिन कर लिया गया है और ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये पैसा बैंकिंग चैनल का है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में विधानसभा चुनाव से पहले सीआरपीएफ की बटालियन मछली शहर पहुंची। यहां सीओ अंतर सिंह ने असिस्टेंट कमांडेंट आयुष कुमार समेत सभी जवानों का स्वागत किया। इस बीच बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट ने बताया कि चुनाव में किसी भी तरह की गलत गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कस्बे सहित बाजारों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। तो गाय, गौशाला, विकास और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में काबिज होने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हीं के अधिकारी अपनी मनमर्जी पर आमादा नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही योगी राज में अफसरशाही किसी हिटलरशाही से कम नहीं आकी जा रही। सरकारी उपेक्षा और अनदेखी का शिकार बन रहे गौवंश को प्रतिदिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बावजूद उसके सरकारी कागजों पर गौवंश के बेहतर रखरखाव के घोड़े बेलगाम दौड़ाए जा रहे हैं। बात की जाए अगर जमीनी हकीकत की तो अन्ना मवेशी पर करोड़ों रुपए की सरकारी लागत खर्च करने के बावजूद उनके हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर जनपद महोबा से भी निकलकर सामने आई है, जहां एक ग्राम प्रधान और सरकारी मुलजिमों की अनदेखी और गैर जिम्मेदार रवैये के चलते गौशाला में प्रतिदिन कई अन्ना मवेशियों को अकाल मौत का सामना करना पड़ रहा है। तो कई एकड़ की भूमि पर बनवाई जाने वाली इस सरकारी गौशाला को अगर कोई नजदीक से देखे तो चेहरे पर शिकन आना लाजमी है। सरकारी खानापूर्ति की अगर बात की जाए तो यह अन्न मवेशी को सारी सुविधाएं मुहैया तो कराई जा रही हैं, लेकिन गौर से देखने पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। जो
गाय की हालत इसलिए कमजोर है कि यहाँ भोजन गाय को मिलता ही नहीं है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी यहाँ गंदा मिल रहा है गाय को। ये स्थिति ये है कि पूरे दिन अभी भी गाय की आवाज आ रही है, भूख के मारे गाय चिल्ला रही है। तो जब ऐसी सर्दी में इन्हें भोजन ही नहीं मिलता है तो ये तो मरने के लिए मोहताज है। ये जितनी दिख रही है फरवरी तक आधी नहीं बचेंगी, सब मर जाएंगी अगर कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे ना ठीक से भोजन मिल पा रहा है जानवरों को और ना ठीक से पीने वाला पानी मिल पा रहा है, भूख से और सर्दी से जानवर मर रहा है। ना यहाँ कोई रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था है, ना चिरही में भूसा डाल के खिलाया जाता है, और यहाँ के पेड़ों की छाल तक खा गए जानवर, भूखों के मारे धूल चाटते नजर आते हैं। इस गौशाला में मैं 3 महीने कुछ समय कार्यरत भी रहा हूँ पहले। मुझे इस गौशाला की रूपरेखा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इस गौशाला से बाहर हो गया। 1076 में मैं 2 बार शिकायत भी कर चुका, फिर भी कोई सुना नहीं हो रही। तो ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां एक तरफ दल बदलने की राजनीति सक्रिय होती जा रही है, तो वही चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई आचार संहिता ने राजनीतिक दलों के प्रचार प्रणाली पर लगाम लगा दिया है। और इस बीच सोशल मीडिया का सहारा लेकर दावेदार अपना चुनावी दमखम दिखाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में ही राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने अज्ञात शख्स के खिलाफ सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी हुआ था, जिसमें अजीत सिंह पाल का भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे की बात को लेकर जिक्र किया गया था, जिसे लेकर कानपुर देहात में राजनीतिक दलों में काफी हलचल मच गई और साथ ही साथ जनपद से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक इस पोस्ट के वायरल होने की बात सुर्खियों में आ गई, जिसके बाद अजीत पाल ने आनन फानन में सिकंदरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ गलत खबर वायरल करने का मामला दर्ज कराया। माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अजीत सिंह पाल जी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे विरुद्ध कुछ लोगों के द्वारा मेरी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट किए गए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित धाराओं में थाना सिकंदरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।